हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखते हैं माउथपीस क्यों बिठाना है शंख के ऊपर और वो बिठाने के एडवांटेजेस क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है। हमारे पास आज दो शंख है, पद्म शंख जो अपना नॉर्मल शंख है और गदा शंख। उसको ऑस्ट्रेलियन ट्रम्पेट भी कहते हैं ये वाला जो है। तो पहले हम विथ माउथपीस साउंड देखेंगे फिर विदाउट माउथपीस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथपीस बिठाना क्यों है। द एग्जाम्पल हम ये शंका लेते हैं, इधर माउथपीस ऐसा कट किया हुआ है, ग्राइंडिंग से कट किया है, तो इधर आप शार्प एजेस देख सकते हैं कॉर्नर में, ये लिप्स को हार्म कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा देर तक शंख बजाते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं एजेस, ये एक रीजन है माउथपीस बिठाने का। सेकेंड रीजन है, आप जब जैसे शंख यूज करोगे थोड़े शंख्स में ऐसा होल्स रहेगा, होल अप्स एंड डाउन्स, तो ये निकालने के लिए ग्राइंडिंग किया जाता है, तो ग्राइंडिंग करने के बाद ये होल बड़ा होगा। तो ऐसा है, तो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक वो ग्राइंडिंग करके क्लियर कर देते हैं होल को, फिर ये होल बड़ा होगा। तो आप इधर माउथपीस बिठाएंगे तो होल उतना ही रहेगा, होल को कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये केस में भी आपको रेस्टिंग फेस मिलेगा जब आप माउथपीस बिठाएंगे। तो अभी माउथपीस बिठाना उसमें भी टेम्पररी और परमानेंट है। टेम्पररी मतलब अब निकाल सकते हैं उसको, परमानेंट मतलब उसको फिक्स कर दिया तो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब ये वाला एग्जाम्पल लीजिए, ये परमानेंट है, इसके अंदर हमने फिक्स किया है बॉन्ड लगा के, तो ये हिलेगा नहीं, फिक्स हो गया। और टेम्पररी मतलब अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला टेम्पररी है, इसको हम निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो। अब हम साउंड देखेंगे विथ माउथ पीस एंड विदाउट माउथ पीस, दो शंख का, दो बड़े शंख है अपने पास। तो फर्स्ट इसका ट्राई करेंगे, पद्म शंख। ये विथ माउथ पीस हो गया, अभी इसको हटा देंगे। तो ऑलमोस्ट सेम ही आया साउंड दोनों का, विथ एंड विदाउट माउथ पीस आपने देखा। दूसरा गदाशंख, इसको हमने पहले से ही ये माउथपीस बिठाया है, अब हम लो करके देखेंगे। तो ये विथ माउथ पीस हो गया, अभी इसको हटा देंगे हम। इसको ये हमने यमसिल बिठाया है साइड को एजिस लगते करके, तो अभी विदाउट माउथ पीस देखेंगे हम। ये विथ एंड विदाउट माउथपीस हमने देखा अभी, तो ज्यादा साउंड चेंज नहीं होता आपका। अब ये जो हमने बिठाया है ये ऑलमोस्ट 15 mm रहेगा जो बाहर है, ये बाहर का पोर्शन। और ये जो बिठाया है ये छोटा स्टील का प्लेट है, इधर ऐसा बिठाया हमने,
आपके हिसाब से आप कुछ भी बिठा सकते हैं इधर, स्टील का जो भी आपको कंफर्टेबल है वो। तो ये हो गया दो शंख विथ एंड विदाउट माउथपीस, और माउथपीस क्यों बिठाना है वो भी बोल लिया। और एक है माउथपीस किधर यूज करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स करके है क्या है, तमिल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें दो बंदे शंख बजाते हैं, एक जो बंदा जो है कॉन्स्टेंटली बजाते रहेगा और दूसरा बंदा उसमें चेंजेस करेगा पिच वगैरह वेरी करके, उसमें अलग अलग साउंड्स निकालेगा। तो वो एक हो गया, उसमें तो यूज करते हैं वो लिटरली ये बड़े साइज का पीस रहता है, प्रोजेक्टेड पीस ऐसा जो माउथ पीस रहेगा, उधर एक यूज करते हैं वो एक। दूसरा यूज दो तीन जगह पे मैंने देखा है, स्टील का माउथ पीस रहता है, ब्रास का, उड़न का भी रहता है माउथ पीसेस, बड़े शंख पे स्पेशली बिठाते हैं वो। तिब्बत, तिब्बत साइड का एक म्यूजियम में भी है, बड़ा वाला है, उसमें माउथ पीसेस वगैरह बिठाया हुआ है। तो ऐसे आप बिठा सकते हैं माउथ पीस। और एक मेन बोलता हूँ मैं आपको, अभी मैं ये शंख 2 साल से यूज कर रहा हूँ, तो थोड़े केसेस में ये डायमीटर थोड़ा बड़ा हो जाता है यूज कर करके, तो आपको ये डायमीटर आप कम नहीं कर सकते। तो अगर आपने ऐसा कुछ माउथ पीस टेम्पररी बिठा बिठा भी सकते हैं, परमानेंट भी बिठा सकते हैं, या आपने बिठा दिया तो ये होल डायमीटर आप कम कर सकते हैं वो केस में, और शंखों को कुछ हार्म नहीं होगा, आपको चाहिए तो ही निकाल सकते हैं आप, इसको कोई हार्म नहीं होगा, इसको कुछ धक्का नहीं लगेगा शंख को, इसको बस लगाना है, ग्लो करना है, चाहिए तो आपको निकालना है, नहीं तो ऐसा ही रख सकते हैं आप। तो ये रिमूवेबल रहेगा आपके हिसाब से, और इसमें फ्लैट सरफेस मिलेगा आपको, फ्लैट सरफेस ब्लोइंग के लिए। तो ये हो गया शंख के ऊपर माउथपीस कैसे बिठाना है, और माउथपीस क्यों बिठाते हैं, और माउथपीस बिठाने के बाद शंख में, शंख के साउंड में कुछ चेंजेस होते हैं क्या, आज हमने देखा। तो आपको कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे, कुछ कमेंट्स कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे छोटे शंख के ऊपर माउथ पीस बिठा के, उसमें हर एक, इसमें आपको लॉजिक समझना है, जो भी माउथ पीस बिठाते हैं ये डिस्टेंस कम से कम रखना है, बड़े में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, बट ये कम से कम रखना है, अगर ज़्यादा रखेंगे तो साउंड को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है वो मुझे भी नहीं पता, बट वो ट्राई करके देखना पड़ेगा आपको, ये कम से कम रखना है, वो एक लॉजिक है आपको समझ लेना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम छोटे शंख के ऊपर माउथ पीस कैसे बिठाना है वो देखेंगे, और उसमें साउंड में कुछ चेंज होगा क्या वो भी हम देखेंगे। और एक बोलना था, अगर सपोज शंख गिर गया ऐसे यूज करते वक्त, इधर से कट होने के चांसेस रहते हैं, अगर आपने परमानेंटली बिठा दिया इधर माउथ पीस परमानेंट, तो ज़्यादा मतलब शंख को डैमेज नहीं होगा, वो भी एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम छोटे शंख के ऊपर माउथ पीस कैसे बिठाना है वो देखेंगे, और विथ एंड विदाउट माउथ पीस जो भी है साउंड चेंज होगा कि नहीं होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।